चवाक में खपल शी दुआ कवा चवाक में खपल शी स्ता पर दीदन पसे बकड़ा गर जोमा सा दीन पास दीर जत्मन और कदरमन द पाकिस्तान पखूब मोटिवेशनल स्पीकरों के दीश में रल की जैदान खान तशरीफ रोड दे द इस्लामाबाद ना और बच्चे जमगा टूल नौजवान कुल दिडिर पर तवज्जो सरावरी नजा अभी तबा बलन और गोमा सासु दलासुन पपड़का के जैदान खान चराशी होगा तासरा दखपलों के आलाते सारू की लासुन पपड़का पकड़ो साल से मैं काम कर रहा हूं लेकिन मर्दान वालों से ऐसा जवाब मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं दी सो मैं चाहता हूं कि अल्लाह की सलामती आप पे भी और मुझ पे भी हो सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम जी भाई पहले क्या मोदा रही है एक चीज मैंने सीख ली है मर्दान वालों से गरीब तबाद है बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं यार जैदान का मतलब क्या है ठीक है जी कुछ लोग बोलते हैं यार ये फुटबॉलर का नाम है लड़कियां अक्सर कहती है ये वो फुटबॉलर तो नहीं है जो फुटबॉल खेलते सो ये बिल्कुल वो वाली स्टोरी नहीं है आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे पूरे दिए थे 10,000 रुपए कितने 10,000 उसने कहा तो तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो तुम यहाँ से जाना और बिल जमा करके लेके आना है सो तुम्हारा भाई जाता है बिल जमा कराने के बजाय मैंने खरीदी है लॉटरी यस क्योंकि जैदान का मतलब है ग्रोथ प्रोग्रेस जिसकी मुझे हमेशा से तलाश होती है ठीक है जब मैंने लॉटरी खरीदी और मैं घर आया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे गले लगाया एंड ही वाज लाइक वाओ बहुत बड़ा तीर मार के आया क्या इस तरह हो सकता है नौजवानों नहीं पता चलती है ना घर में क्या औकात चलती है यस सो मैं घर में सबसे छोटा हूँ मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी दरवाजा बंद करने में खोलने में गुजरी है ठीक है जी बाकी मेहमानों के हाथ धोने में गुजरी है अच्छा जी सो तो मेरे वालिद साहब ने रख के मुझे वो तो पढ़वा रहे हैं ठीक है कि मैं बता नहीं सकता हूँ लेकिन प्रोग्रेस की बात हो रही ग्रोथ की बात हो रही विजन की बात हो रही जिनका दिमाग खुला होता है जिनकी सोच बड़ी होती है वो हमेशा बड़ी चीज की तरफ जाते हैं 3 दिन के बाद बैल बजी मेरे वालिद साहब ऑलरेडी बाहर खड़े थे जब मैं वहां गया तो एक शानदार गाड़ी बाहर खड़ी थी क्योंकि मैंने क्या खरीदी थी यस वो वापडा वालों की थी मेरे वालिद ने फिर मुझे मारा ठीक है क्योंकि मैंने फिर जमा नहीं किया अच्छा जी सो ये जो जिंदगी आपके साथ चलती आ रही है ठीक है यहाँ पे बहुत से लोग आपके पास आते हैं आपको कहते हैं बेटा ये काम करो ये इस तरह गुजारो ये इस तरह करो ठीक है तखलीक के कायनात के बारे में कहा जाता है जब इंसान को बनाया गया था तो फरिश्तों से पूछा था कि इंसान की जिंदगी का राज कहाँ पे रख दे फरिश्तों ने कहा था कि आसमानों में रख देते हैं अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को इतनी अकल दी है वह आसमानों में जाएगा और राज निकाल के ले आएगा तो फरिश्तों ने कहा समंदर की तह में डाल देते हैं अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को इतनी दानिशदगी दी है वो समंदर की तह में जाएगा और राज निकाल के ले आएगा आखिर इस बात पर फैसला हुआ कि इंसान की जिंदगी का राज उसके अंदर रख दो सारी दुनिया झांकेगा लेकिन कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेगा राइट सो द इनर वाला इंसान दो तरह की पर्सनालिटीज हम हमेशा ट्रेनिंग में बात करते हैं 8 से 9 साल हो गए नौजवानों के साथ काम करते हुए मुझे दो तरह की पर्सनालिटीज होती है एक जब आप किसी ऐसे अनजान बंदे से मिलते हैं ठीक है जी जिससे आप कभी मिले नहीं हो एनी लाइक ओह कैसे है भाईजान बखैर ठीक ठाक था खैर मेहरबानी हो ओके दिल से नहीं One is that inner wall insan. When you see someone very loved, when you see जिसको देख के यू दिल में खुशी होती है जिसको देख के यू से जैसे वो सामने से ओह बखैर बखैर ठीक ठाक राइट और उसको आप फुल ग्रैब करते हैं फिर हम बताएं तो माशाल्लाह यू नो जबरदस्त तरीके से राइट सो दैट इनर वाला इंसान इस पे काम करने की जरूरत इकबाल ये कहते कहते तक गया एक ही लफ्ज दैट कॉल खुदी खुद पे काम करो एक इंसान की तरफ उंगली उठाओगे तो ये 4 उंगली पहले अपनी तरफ उठाओ फिर एक तरफ दूसरे की तरफ उठाओ ये इंसान को इसी तरह बनाया गया एक खूबसूरत इंसान बनाया गया उसे अशरफुल मखलूकात बनाया गया उसे जब बनाया गया था तो फरिश्तों से कहा कि इसको सजदा करो फरिश्तों से कहा के इंसानों के लिए सजदा करो इतना तुम्हें अजीम बनाया है इतना तुम्हें बेहतर बनाया है अल्लाह ने जब तुम्हें बेहतर बनाया तो उसने ये नहीं कहा था कि मैंने अच्छी मखलूक बनाई है उसने ये नहीं कहा था कि मैंने बेहतर कौम बनाई है बल्कि उसने ये कहा था कि मैंने बेहतरीन कौम बनाई है सो यू ऑल आर बेहतरीन कौम ठीक है अपने आप से पूछो प्लीज जिंदगी में एक चीज याद रखना हर रोज खुद को
अपने आप को हमेशा 10 से 15 से 20 मिनट दो, खुद से सवाल करो तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, खुद से ये सवाल करो कि सिर्फ एक डिग्री करने के लिए आए हो। पाकिस्तान का हर तीसरा डकन इज डूइंग द सेम थिंग, वो भी डिग्री कर रहा है, तुम क्या तीर मार रहे हो? ऊपर वाला के तो अशरफ मखलूकात मैंने तुम्हें बनाया है और तुमने एक डिग्री ली है और उसके अलावा तुमने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें इस वजह से बनाया था क्या कि तुम लोगों की खिदमत करो, मैंने तुम्हें इस वजह से बेहतरीन दिमाग दिया था। इंसान और जानवर में किस चीज का फर्क है? यस, शऊर का, अकल का। गधे को लात मारो, गधा क्या करेगा? लात मारेगा, कितने टाइम में मारेगा? विद इन सेकेंड। सर आपको कभी पढ़िए, ओके, विद इन सेकंड लात मारेगा। कभी इस तरह आप गधे को लात मारे, गधा सोची पड़ जाए, आज मुझे लात पड़ी है, आज मुझे क्या करना चाहिए? वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है? गधा है। जानवरों में सबसे जानवर कौन सा ज्यादा जानवर काम करता है? सबसे बदनाम बेचारा कौन सा जानवर है? सबसे मासूम कौन सा जानवर है? आप कौन है? आज इंसान जाग रहे हो, क्लैपिंग करो, शाबाश, जबरदस्त। So work for that inner wall, इंसान इनर से मुखातिब जब तुम अपने आप को देखते हो, इनर से मुखातिब जब तुम अपने आप से ये सवाल करते हो, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग चीज दिया है जो तुम्हें और एक जानवर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं दिमाग, उसे हम कहते हैं अकल। वो कहते हैं तुम इस पे काम करो, इससे काम ले लो। इलम को हम लोगों ने भूख में भी रखा है, इलम को हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन में भी रखा है, इलम को हम लोगों ने ट्रैवल में भी रखा है। तो तुम इस दुनिया को एक्सप्लोर करो, ये दुनिया खूबसूरत दुनिया है, तुम उससे बेहतरीन हो, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम इसको एक्सप्लोर करो, नए नए लोगों से मिलो, नए नए ख्यालात लेके आओ, आइडियाज लेके आओ, ऐसा काम करो जो आज तक किसी ने लाइफ में किया नहीं हो। तुम डिफरेंट की जानिब जाओ, तुम कुछ ऐसा करो कि आने वाली नस्लें तुम्हें याद रखे। वैसे भी सबने मरना है, मरना है या नहीं मरना है? यस, जब मरोगे फरिश्ते पूछते हैं, जी बेटा जवानी क्या तीर मारा? सर मैंने में समझा मर्दान रहले मैं नो बस यो डिग्री में हुआ है, सही उक्षनी नो करी नो करना आउ दी चेरे यो दो बच्चन पैदा शु आउ बस नून में से किड़ी बोल दा मिस वन दो फरिश्ते उसो है आउ दानो कस देखना अशरफ अल मखलूकात जबरदस्त जन्नत में ले जाओ भाई। जन्नत उस टाइम मिलेगी जब इस्लाम के लिए कुछ करोगे, जन्नत उस टाइम मिलेगी जब इंसानियत के लिए कुछ करोगे, जन्नत उस टाइम मिलेगी जब अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे, जन्नत उस टाइम मिलेगी जब अपने सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करोगे। अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, उसे अशरफुल मखलूकात के दर्जे पे ले आओ। उसे ये बताओ कि आपने मुझे पैदा किया, आपने मुझे अच्छी तालीम दी, आपने मुझे एक अदारे में पैदा किया, ठीक है, आपने एक जबरदस्त इदारे से मुझे पढ़ाया, जबरदस्त मुझे जिंदगी दी, इस चीज का शुक्र अदा करो। रात को सोते हुए अगर तुम ये सोचो कि आज का दिन और जो कल आने वाला दिन है वो तुम्हारा बराबर है, तो तुम खसारे में जा रहे हो। तुम्हारा आज का दिन जो है, जो अपकमिंग तुम्हारा दिन आने वाला है, वो आज से बेहतर होना चाहिए और आज का दिन अपकमिंग आने वाले दिन से बेहतर होना चाहिए। तुम्हें मजीद आगे बढ़ना है, तुमने इस माइंड को यूज करना है। ये माइंड बहुत जबरदस्त है, ये बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक साइड पे रख दो, एक साइड पे 14.3 ट्रिलियन P4 कंप्यूटर रख दो, 14.3 ट्रिलियन P4 कंप्यूटर रख दो, दरमियान में इक्वल टू का निशान लगाया जा सकता है। दैट्स व्हाई कुरान बार बार कहता है फबी अल्लाह रुकमा तुवा जिबान, और तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को जुटलाओगे? मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया, मैंने तुम्हें शाकार बनाया, मैंने तुम्हें ऐसा बनाया, मैंने तुम्हें इतनी जबरदस्त आंखें दी हैं, DSLR से ज्यादा देख रख सकती है तुम जमीन। तो ये वाला कंध उठाना, ये कंध मैं उठाऊंगा, आप फिक्र रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है, ये उसका काम नहीं है, गंध साफ करना आपका काम है। गंध आपने मचाया, साफ आपने करना है। मर्दान में जैसे इंटर होते हो तो सामने कहते हैं कि मुस्कुराइए आप मर्दान में, और उसके बाद मर्दान में यूं नजर आ रहे थे सब, किधर का मुस्कुराना? मैन यू हैव टू फोकस,
So you belong from that Pathan family, right? You said we lot of khairat. You said lot of spirituality. ठीक है, ये पाकिस्तान का वाहिद कौम है. ठीक है, चाहे लोग तुम्हें जो भी कहे, मजाक उड़ाए, जैसे भी कहे, यू पीपल आर द बेस्ट इन दिस पाकिस्तान. और ये तुम अपने माइंड में रखो. पठान, एक पठान की बात अगर की जाए, ठीक है दी, सिकंदर आजम जब लड़ने लगा था तो उसने भी सेम यही कहा था. उसने खत लिखा था माँ को कि तुमने एक शेर को पैदा किया है. ठीक है, मैंने पाकिस्तान में बहुत से शेर देखे हैं, राइट. और ये सेम एक पठान है, राइट, जो घर से निकलता है, ठीक है, मेहनत मजदूरी करता है, 9 से लेकर 5 तक कुल्हाड़ी उठा के मेहनत मजदूरी करेगा, लेकिन खान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा. दैट्स द पावर ऑफ अ खान, राइट. सो वर्क फॉर योरसेल्फ, वर्क इन अ सेंस कि खुद पे काम करो. एक चीज को इतना मोटो लेके आए हो, उस चीज को इतना ऊपर लेके आए हो, तो उसे बेस्ट तरीके से करो. उसने तुम्हें शाकार बनाया, उसने तुम्हें शानदार बनाया, उसने तुम्हारे जैसा दोबारा नहीं बनाया. ठीक है, उसने पर्सनैलिटी इतना शानदार होना चाहिए, तुम्हारे बोलने का अंदाज इतना शानदार होना चाहिए कि तुम किसी बादशाह से बात करो तो इस अंदाज में बात करो कि उसे ये लगे कि ये किसी शहनशाह से कम नहीं है. लेकिन तुम किसी फकीर से बात करो तो इस अंदाज में बात करो कि उसे ये लगे कि तुमसे बड़ा कोई झूलेलाल नहीं है इस दुनिया में. तुम्हारी पर्सनैलिटी उस लेवल की होनी चाहिए, राइट, कि तुम कोई खूबसूरत चीज देखो. जब तुम कोई खूबसूरत चीज देखो तो ये मत देखना क्योंकि यार फिट बच्चा है या फिट बच्ची जा रही है. यू हैव टू से ये इतना खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा. तुम्हारा काम इतना लेवल का होना चाहिए, तुम्हारा काम इतना शानदार होना चाहिए, इतना ब्रिलियंट होना चाहिए कि वो इबादत बन जाए. अब एक काम किस तरह इबादत बनेगा, इबादत इन अ सेंस कि जिस तरह भाई आए थे, इन्हें बहुत जबरदस्त पोएट्री की है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे, इनके लिए लाजमी क्लैपिंग करें, अमेजिंग. जिसने भी यहाँ पे इनको इन्वाइट किया है, बहुत अच्छे से तरीके के एंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आए. इरशद हुसैन, ठीक है, इरशद अहमद, उनके लिए क्लैपिंग करें. और उससे बढ़ के हमारे मिनिस्टर, हमारे डीसी साहब, जिनके हेल्प की वजह से सर, वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू सर. हमें आप जैसे कायदीन की जरूरत है सर, जो इन नौजवानों को एक साथ जमा करते हैं. सर पाकिस्तान 60% यूथ पे आबाद है, 60% पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार इज दैट यूथ. You have to work for that youth. And aap ye log kaam kar rahe hain, sir, for this I salute you. Aap logo ka bahut bahut shukriya. So I want you to promote all that stuff. Jo tumne seekha, wo deliver karo. Deliver in a sense ki tumne jo cheez seekhi, apne aas paas ke logo ko batao. Tum share karo. जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है, जो तुम्हारे पास माइंड है, ठीक है जी, वो तुम दूसरों के पास देखे दिया करो. मंजुदन सानी कहते हैं कि ये शेयरिंग करना जो है वो एक अवलीन है. ऊपर वाला कहता है तुम मेरे बंदों में 10 रुपए बांटोगे, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा, राइट. तुम इनके साथ हिसाब किताब करोगे, मैं तुम्हारे साथ हिसाब किताब करूंगा. तुम इनको बेदेल दोगे, बेहिसाब दोगे, मैं तुम्हें बेहिसाब दूंगा. गुड वे, अच्छी तरफ बढ़ो. जिंदगी शाकार है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे बड़ा जालिम चीज एक साथ ही जिंदगी के साथ जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं वक्त. वक्त की कदर करो. इसकी तुम कदर नहीं करोगे, कोई जिंदगी में तुम्हारी कदर नहीं करेगा. आज कुछ मेहनत करोगे, आज घर से नहीं निकलोगे, 3-4 किताबें पढ़ लोगे, ठीक है, तो कल लोग तुम्हारे पास आएंगे, कल लोग तुम्हारे पास आएंगे. ये जो बड़े साहिबान मिनिस्टर डीसी, ये इस तरह नहीं बने, इनके पीछे हजारों फेलियर्स छुपे होते हैं. इन लोगों ने मेहनत की है. मेरे ताल्लुक लोरलाई से, क्वेटा, क्वेटा से फिर एक लोरलाई. जब मैं पहली मरतबा स्टिल रिमेंबर, जब मैं थोड़ा बहुत 24 की तरफ गया था, तो मेरे भाई ने मुझे कहा था, ये कौन से इंसानों वाले बाल बनाए, ठीक है. माय मॉम वाज लाइक लाड़ी जुखो मिडम शू, यस. सो वी बिलोंग फ्रॉम पठान फैमिलीज, राइट. तो हमारे यहाँ ये मसले मसाइल होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, नाम बनाया, मेहनत की, ठीक है. अब वही भाई मुझे कहता है कि वेल डन, लोगों को कहता है कि यस, ये मेरा भाई है. मैं प्राउड फील करता हूँ इस पे. और जो आपको आसपास लोग नहीं होते जो आपको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इट्स अमेजिंग, अमेजिंग इन अ सेंस कि हमारे साथ है यस स्मार्टी, व्हाट्स योर नेम, अमजा हमारे साथ है, ठीक है. अमजा से किसी ने पूछा कि जी अमजा बड़े होके क्या बनोगे, अमजा मेरी तरह जज्बाती है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. मैं और आप क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी. कल को हमजा मेहनत करता है, जब प्रेसिडेंट बन जाता है, फिर मैं और आप क्या करते हैं, मुझे पता था तू कर सकता है, वेल डन,
पहले जबरदस्त, बाद में सोच रहा पता नहीं कैसे बन गया यार। सो देयर आर सम पीपल, जो बंदा खुद काम नहीं कर सकता वो आपको कहता है कि तुम नहीं कर सकते हो। प्लीज अपने वक्त को इस तरह जाया नहीं करो। मैंने 2 साल अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़की के पीछे प्लीज बात करो, प्लीज बात करो, प्लीज बात करो, ओहो जाना अनजमा और पता नहीं क्या क्या डंग, जो भाई ने बात की थी कि और भी तो लड़कियां हैं लेकिन वो लड़की हद है, ठीक है। So, मेरी नजर में इट वॉज लाइक दिस। देखिए आपके 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 ख्वाब आपको बताते हैं, आपका माइंड आपको बताता है कि आप कितने विजनरी हैं, आपका माइंड आपको बताता है कि आप कितना बड़ा सोचते हैं, ठीक है जी। सो 2 साल तक कोई बातचीत, कोई आल अवाल नहीं, ठीक है जी। फिर आगे आया, यूनिवर्सिटी से निकला, ट्रेनिंग की तरफ आया, 2-3 ड्रामेस किए, थोड़ा बहुत एक आध मूवी की, थोड़ा सा नाम बनाया, इंटरव्यूज आए। 2015 या 16 में मैं एक जगह कॉन्फ्रेंस कर रहा था और वही लड़की पार्टिसिपेंट बैठी हुई थी। यस, एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा कि सर वो कुछ फीमेल्स आई हैं आपसे मिलने के लिए। आई वाज लाइक ओके ले आओ। मैंने कहा इसी दिन के लिए तो लगे हुए थे। खैर वो आके खड़ी हुए लाइन में, राइट, तो मुझे मिलवा रहे, सर ये फलानी लड़की, ये फलानी, ये फलानी। जैसे उसकी बारी आई वो कहती है ये मुझे जानते हैं, ये मुझे जानते हैं। तुम्हारा भाई नहीं, मैं नहीं जानता हूं तुम्हें। सो योर टाइम विल कम, राइट, टाइम इन अ सेंस कि तुम्हारा वक्त तुम्हारे पास जरूर आएगा। सिर्फ एक चीज करनी है, वो है खुद को पहचानना, खुद पे काम करना और अपने आप को इस लेवल पे लेके आना कि लोग तुम्हारे पास आए। तुम्हारी पर्सनालिटी इस शानदार लेवल की होनी चाहिए, राइट। सो वी हैव अ लॉट ऑफ स्पीकर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं यहाँ हूँ, आप लोगों से इंशाल्लाह मिलता भी रहूंगा। और सेकेंडली आई एम ऑन फेसबुक, जस्ट गूगल ज़ैदान खान। आपके जो भी मसले मसाइल हो प्लीज रिगार्डिंग योर कैरियर काउंसलिंग, योर सब्जेक्ट वाइज कुछ भी हो, आप मुझे एक मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह आपका भाई आपके सामने हाजिर होगा और मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा, चाहे आपका जो भी इशू हो। और एक ही बात में मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि मेरी वजह से अगर यहाँ पे किसी की दिल आज़ारी भी हो, स्पेशली यूथ, तो या मैंने कोई गलत बात आप लोगों को की हो तो मैंने जानबूझ के की, इसी काबिल हो तुम लोग, जो भी करना है कर लो, ठीक है। और जाते जाते इस चीज पे एंड करना चाहूंगा कि दुनिया में तुम्हें जितने भी बड़े तूफान का सामना हो, ठीक है, खुदा के पास जाके ये मत कहना कि तूफान कितना बड़ा है, बल्कि तूफान को आपने ये बताना है कि आपका खुदा कितना बड़ा है। That should be your attitude. Thank you so much, Mardan. Thank you so much.